तो गाइस अब फाइनल हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ दिखाइए किस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सो गाइस मेरे पास आया है बजाज कंपनी का 150 cc डिस्कवर वाली बाइक। और इसमें हो क्या रहा था, बाइक में पॉल्यूशन आ रहा था, इंजन का साउंड काफ़ी सारे ख़राब देखने को मिल रहा था। तो गाइस आज हम आपको बताएंगे जो बजाज डिस्कवर 150 cc बाइक में अगर हम लोग इंजन करें, इंजन का साउंड अगर ख़राब रहे जैसे कि पॉल्यूशन आए, तो इंजन में हम लोगों को क्या क्या चीनी डालना पड़ेगा, क्या क्या पार्ट्स हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा वही बताएंगे। और प्रैक्टिकल आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इंजन फिटिंग करके दिखाएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं जो एक्चुअली इस बाइक में पहले हम लोग क्या क्या डालेंगे। गाइस यहाँ आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो पुरानी वाली पार्ट्स है ये हम सब चेंज करेंगे। गाइस एक नंबर हम लोगों का पिस्टन सीज हो गया है, इसका कारण पॉल्यूशन आ रहा था, इंजन का साउंड ख़राब आ रहा था। और ये जो टेंशनर है टाइमिंग एडजस्टर ये हम लोगों का ख़राब हो चुकी था, इसका कारण क्या हो टाइमिंग चेन हम लोगों का टाइट कर नहीं पा रहा था, तो इसे भी हम लोग चेंज करेंगे और टाइमिंग चेन भी चेंज करेंगे। तो गाइस ये है हम लोगों का वाल्व किट भी हम लोग नया डालेंगे, दोनों वाल्व और स्पार्क प्लग नया डालेंगे। और गाइस इसमें हम लोग का क्लच असेंबली जो है ये पूरा सीट चेंज करेंगे, क्योंकि इंजन बनाने में अगर हम लोग पूरा खर्चा करते हैं और क्लच का पार्ट जो है वो हम लोग चेंज नहीं करते हैं और बाइक का जो ताकत है ठीक से नहीं मिलता है, इसका कारण रीजन यही होता है, कस्टमर बोलता है इंजन बनाने का बाद भी बाइक हम लोगों का ठीक से नहीं चलता है। तो क्लच प्लेट पूरा असेंबली किट आप लोग डाल दीजिए। अब इसमें हम डालेंगे एक नया इंजन ऑयल जो कैस्ट्रोल एक्टिव है, तो मुझे लगता है बेहतर कैस्ट्रोल एक्टिव डालने में। तो गाइस यहाँ आप लोगों को इतना सारे पार्ट्स चेंज करने का होगा। अब चलिए बताते हैं और भी मेन चीज है जो हम लोगों का कनेक्टिंग रॉड होता है, ये कनेक्टिंग रॉड हमने नया डाला है, जो कनेक्टिंग रॉड रिपेयर नहीं किया है तो ये रॉड हम लोग चेंज कर लिया लेद में जाके। और मेन बैरिंग भी हमने जैसे कि चेकअप किया, मेन बैरिंग सही है। अगर बजट आप लोगों का ज़्यादा रहे तो मेन बैरिंग भी आप लोग चेंज कर दीजिए। अब सवाल है हेड में आते हैं, तो गाइस हेड के अंदर हम लोगों का जो नया वाल्व हमने डाला है ये नया वाल्व है और ये पुराना वाल्व है, तो ये नया मैंने जेन्युइन लिया है। अब लगाने के बाद आप लोग एक चीज़ गौर कीजिए, हेड के अंदर जो छेद होता है गाइड होता है इसको आप लोग इस तरह से दबा के देखिए, जिसमें कि अगर गेज है तो इसके अंदर जो हम लोगों का गाइड है उसे निकाल के नया लगाइए लेद में जाके और पूरा ग्राइंडिंग कर लीजिए, ठीक है। अब सवाल है ब्लॉक किट को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो गाइस ये है हम लोगों का स्टैंडर्ड साइज पिस्टन और ये अभी हमने जैसे कि लिया है 25 साइज, यहाँ देखिए 25 mm का। तो कस्टमर बोल रहा था बजट कम है, इसीलिए मैंने बोला चलो कोई बात नहीं मैं इसे बोर कर लूँगा। अगर आप लोगों के पास बजट ज़्यादा रहे तो जेनुइन ब्लॉक किट डाल दीजिए और भी इंजन बेहतर परफॉर्मेंस देगा। तो बजट का कारण मुझे मजबूरी में लगाना पड़ा जो पिस्टन बोर करके लगाएंगे, तो गाइस पिस्टन लगाएंगे, वाल्व लगाएंगे, टाइमिंग चेन लगाएंगे, तो सब पार्ट्स हमने ले लिया है, जेन्युइन पार्ट्स हमारे पास है। और फुल पैकिंग किट देना नहीं भूलिए, फुल पैकिंग किट और ऑयल चेंज किट। तो गाइस आप लोगों को पूरा पार्ट्स के नाम बता दिया और लास्ट में कितना खर्चा आएगा वो भी आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले हम इस बाइक को फिटिंग करेंगे स्टेप बाई स्टेप, उसके बाद आप लोगों को ये इंजन को हम लोग बाहर में स्टार्ट करेंगे, बाइक में लगाने के बाद नहीं, क्योंकि अगर इंजन फिटिंग करे और बाई चांस हम लोग कुछ प्रॉब्लम रहे तो फिर हम लोगों को बाइक से इंजन खोलना पड़ेगा। तो बाइक को इंजन फिट करने के बाद बाहर में स्टार्ट करेंगे, करने के बाद बाइक में फिटिंग करेंगे, लेकिन हाँ वो वीडियो आप लोगों को अलग पार्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम लोग फिटिंग करेंगे गियर बॉक्स। गियर बॉक्स में कुछ आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वो चीज़ आप लोगों को हम कुछ क्लियर करेंगे शॉर्टकट में, क्योंकि काफ़ी सारे गियर बॉक्स का वीडियो हमने बना के रखा है, मेरे चैनल में जाइए उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। तो कुछ आप लोगों को डिटेल्स दे देता हूँ किस तरह से आप लोग जैसे कि गियर बॉक्स को फिटिंग करें। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा ये पिनियम हम लोगों को उलट पलट होता है खोलने के बाद, अगर बाई चांस आप लोगों को खोल के उलट पलट हो जाता है तो आप लोग किस तरह से फिटिंग करें। तो देखिए ये जो मेन शाफ्ट है यहाँ देखिए एक पिनियम लगा हुआ है, उसके बाद कोई वाशर नहीं है, उसके बाद एक वाशर देना पड़ेगा, फिर एक लॉक देना पड़ेगा, उसके बाद इस पिनियम को
इस हिसाब से डाल दीजिएगा। उसके बाद ये लॉक लगेगा, लॉक लगाने के बाद एक वॉशर आप लोगों को देना पड़ेगा। तो चलिए वॉशर दे देते हैं। उसके बाद ये वाला पिनियम इसको यहाँ अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद ये पिनियम को इस हिसाब से भी लगा सकता है, इस हिसाब से लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो एक हिसाब से हम लगा देते हैं। उसके बाद ये वॉशर, तो हम लोगों का ये जो हम लोगों का इनपुट सैप है ये हमने फिटिंग कर दिया, अब आउटपुट सैप हम लोग फिटिंग करेंगे गाइस। तो चलिए तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा ये सब पिनियम हम लोगों को उलट पलट होता है। अब यहाँ देखिए, अगर कोई कारण से आप लोग खुलते हो और गड़बड़ा जाते हैं तो ये हम लोगों का जो सैप्ट है, सैप्ट के अंदर अब कुछ वॉशर नहीं देना पड़ेगा, ये वाला पिनियम डालना पड़ेगा। उसके बाद एक वॉशर डालना पड़ेगा, उसके बाद एक लॉक, ठीक है। अब आते हैं इस पिनियम को, उसके बाद लगा दीजिए। लगाने के बाद यहाँ एक वॉशर हम लोगों को देना पड़ेगा, उसके बाद ये पिनियम डालना पड़ेगा, फिर एक वॉशर देना पड़ेगा, उसके बाद लॉक। अब ये लगाने के बाद आप लोगों को इसको इसी हिसाब से लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं, ये जो बूस है इस बूस को यहाँ डालना पड़ेगा, उसके बाद इस पिनियम को इसी हिसाब से लगा दीजिए, उसके बाद ये वाला वॉशर। आउटपुट सैप भी हम लोग का फिट हो गया। अब चलो हम लोग फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से फिटिंग करें। तो गाइस यहाँ देखिए फिटिंग नहीं हो रहा है, तो चलो उलटना पड़ेगा। बस हमने उलट दिया है। अब यहाँ देखिए इसको इस तरह से आप लोग जैसे कि सेंटर कीजिए, बस हमारा सेंटर हो चुकी है। अब यहाँ हम लोगों का काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो गाइस चेंजर बैठाना है, तो चेंजर बैठाने के लिए आप लोगों को थोड़ा इसे बाद में उठाता हूँ। तो गाइस यहाँ देखिए ये जो हम लोगों का सैफ्ट है, चनिया है, ये दोनों सिस्टम एक ही है लेकिन लगाने का तरीका है। यहाँ देखिए ये जो हम लोगों का कटिंग है, कोई कोई बाइक में बूस्ट सिस्टम आता है, अगर बूस्ट डालेगा तो यहाँ हम लोगों का प्ले नहीं रहेगा। तो इसका खाचिंग अगर ज़्यादा बड़ा रहे तो बूस्ट रहता है, तो फिलहाल इस बाइक में बूस्ट नहीं है, तो ये अभी नहीं लगेगा गाइस। तो चलो इसको हम लोग ऊपर करते हैं, ऊपर करने के बाद इसको भरेंगे। बस अब भर गया है। अब चलो सबको हम लोग थोड़ा गछा लेते हैं। गछाने के बाद यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सेंटर करेंगे, ठीक है। सेंटर कर दिया। अब सवाल है इस चेंजर को लगाना है, तो इस चेंजर को किस तरह से लगाइए, इसको उल्टा करना पड़ेगा, जैसे कि पलटी मारना पड़ेगा। इसका माथा ऊपर है, इसका माथा नीचे है। तो चलो इसे हम लोग अटैच कर देते हैं। बस यहाँ काम ख़त्म। तो चलो इस पिन को भर देते हैं, इस चेंजर को भी लगाते हैं। ये जो हम लोगों का चनिया है, माथा है, ऊपर रखना पड़ेगा, और यहाँ हम लोग जैसे कि डाल देंगे। बस तो हम लोगों का इंजन फिटिंग हो चुकी है। अब चलो क्रैंक फिटिंग करता हूँ। क्रैंक फिटिंग किस तरह से करें आप लोगों को दिखाता हूँ। काफ़ी सारे मैकेनिक क्रैंक ठोक देते हैं, तो ठोकने का कारण होता है क्रैंक बैंड हो जाता है। तो अभी भी आप लोग ठोकेगा मत। जैसे कि मैंने भरा और इसको इस तरह से हम लोग जैसे कि थोड़ा गछाएंगे, ठीक है, और इस तरह से दबाएंगे। चलो क्रैंक हम लोगों का बैठ गया है। तो चलो अब फिटिंग हो चुकी है। अब हम लोग जैसे कि चेंबर फिटिंग करेंगे। तो चलिए ये जो वॉशर है इसमें भी देना पड़ेगा, यहाँ अगर हम नहीं देंगे इस यहाँ पर देंगे। तो चलो इसमें हम लोग थोड़ा ग्रीज लगा देते हैं। बस तो गाइस ये स्प्रिंग हम लोगों का ख़राब है, ये ज़्यादा दिन नहीं जाएगा, तो मैंने नया ओरिजिनल लाया। अब सवाल है इस स्प्रिंग को हम यहाँ जैसे कि भर देंगे, ठीक है। अब इंजन हम लोग किस तरह से फिटिंग करें वो देखिए। तो गाइस इंजन आप लोगों को इस तरह से नहीं करना है, मैं तरीका बताता हूँ बजाज डिस्कवर बाइक में आप लोग इंजन को किस तरह से फिटिंग करें। तो जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर रखा, ठीक है, यहाँ पर रख दिया। अब सब हम क्या करेंगे, जो मेन चेंबर को इसी हिसाब से लगाएंगे कि इसकी स्प्रिंग हम लोग को गिर जाएगा। तो चलिए हम भरते हैं। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग जैसे कि इसको ठेलेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक चल जाएगा। बस तो गाइस ऑटोमेटिक चल गया है। अब थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, जो इसकी मदद से थोड़ा ठोक देंगे। बस अब हम लोगों का चेंबर फिटिंग हो चुकी है। अब नॉट लगाएंगे।
चलिए सबसे पहले किक स्प्रिंग हम लोग इंस्पायर करते हैं, जो कैसे हम लोग किक स्प्रिंग को फिटिंग करें। तो गाइस इसमें वॉशर होता है, वॉशर है और एक कार्डिंग है। एक कार्डिंग हम लोगों को जैसे कि देना है। अब किस हिसाब से लगाइए वो आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ज़्यादा पाक देने से हम लोगों का किक स्प्रिंग ख़राब हो जाता है, तो हम लोग पाक देंगे अपना हिसाब से नहीं, जिस हिसाब से इंजन मांगेगा उसी हिसाब से देंगे गाइस। अगर यहाँ से पाक करें तो हम लोग का प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो एक पलटी और हम लोगों को मारना है, रिटर्न देना है। रुको, बस अब ये हम लोगों का सही है। यहाँ से अगर हम लोग रिटर्न लाए तो किक ज़्यादा हम लोगों का जैसे कि दूरी नहीं होगा। तो चलो इसमें ज़रूरत होता है हम लोगों का किक शाफ्ट की। किक अब यहाँ से हम लोग यहाँ इंस्टॉल करेंगे और जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता करके खींचेंगे। तो गाइस देखो हम लोगों का किक स्प्रिंग सेटिंग हो चुकी है। अब यहाँ देखिए हाउजिंग हम लोगों का अभी फ्री हो चुकी है। बाइक अभी न्यूट्रल पर नहीं है, तो चलो न्यूट्रल पर करते हैं। चलो गियर शाफ्ट डालते हैं। बस अब यहाँ हम लोग चेंजर लगाएंगे, स्प्रिंग डालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला वॉशर, उसके बाद ये हम लोगों का चेंजर। अब चेंजर को यहाँ हम लोगों को मिलाना है। उसके बाद ये वॉशर, उसके बाद ये वाला नॉट। तो गाइस चलिए बाइक का जो हमने गियर सिस्टम बॉक्स को गियर बॉक्स को फिटिंग किया है, तो अब खिला के आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी बाइक जैसे कि न्यूट्रल पर है, देखिए अभी न्यूट्रल पर है। हम लोगों का चेन स्पॉकेट का शाफ्ट नहीं घूम रहा है। अब जैसे कि आप लोगों को दिखा रहा हूँ, गियर दो नंबर गियर, तीन नंबर गियर, चार नंबर गियर, ठीक है, लास्ट में टॉप गियर। तो अभी जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है गियर बॉक्स अच्छी तरह से नहीं घूमेगा, क्योंकि थोड़ा जाम गिरेगा। इंजन ऑयल डालने के बाद और बाइक स्टार्ट होने के बाद पूरा गियर हम लोगों का बेहतर से बेहतर काम करेगा। तो चलो रिटर्न करते हैं। ये न्यूट्रल पोजीशन है, अभी न्यूट्रल पोजीशन बाइक का ठीक है। तो चलिए बाइक को हम लोग फिट करते हैं, बाकी जितना भी प्रोसेस है आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए थोड़ा लुब्रिकेंट कर लेते हैं, पिस्टन फिट करेंगे गाइस। पैकिंग डाल दिया, अब हम लोग पिस्टन को फिटिंग करेंगे। पिस्टन रिंग किस तरह से हम लोग ग्रूव रखे हैं, अगर वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहां से आप लोग पिस्टन रिंग का वीडियो देख सकते हो, जो मैं किस तरह से रखता हूँ गाइस, ठीक है। तो चलिए हेड फिटिंग करते हैं। हेड फिटिंग करने के बाद आप लोगों को टाइमिंग दिखाऊंगा, रॉकर दिखाऊंगा, उसके बाद क्लच चैम्बर फिट करके दिखाऊंगा। तो चलिए फिट करते हैं। भरिए आहिस्ते आहिस्ते करके भरिए, रुकिए रुकिए। बस नहीं हो रहा है, मैशिंग में बहुत अच्छा से टाइट हुआ है, नहीं हो रहा है, टाइट हो चुकी है बस। तो गाइस सबसे पहले बूस्ट डालना पड़ेगा, बूस्ट अगर ना डालेंगे तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो चलो टाइमिंग हम लोग रोटेट करते हैं और टाइमिंग को हम लोग एडजस्ट करेंगे। टाइमिंग हम लोगों का बन चुकी है, चलो नट वगैरह लगाता हूँ। तो गाइस काफ़ी सारे मैकेनिक ये वॉशर उल्टा फिटिंग कर देते हैं और किट किट आवाज़ करता है। तो ये जो कटिंग वाला वॉशर का जो ग्रुप है इसको अंदर रखना है, इस तरह से नहीं, इस तरह से रखने बाइक का आवाज़ करेगा। ये जो शाफ्ट का पोजीशन है वो टाइट नहीं होगा, नॉट फुल टाइट हो जाएगा, लेकिन शाफ्ट डाल नहीं होगा गाइस, टाइट नहीं होगा। तो चलो नॉट लगाते हैं।
नाट को हम लोग फाइनल टाइट करते हैं। अच्छी तरह से टाइट करना पड़ेगा। बस पैकिंग डालना पड़ेगा और ये छोटा छोटा 8 mm का बोल्ट डालना पड़ेगा। तो चलो इसमें हम लोग लगा देते हैं। अब इसको हम लोग खींच लेंगे। ऑटोमेटिक हम लोगों का टाइमिंग चेन टाइट हो चुकी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाइस यहाँ हमने टाइमिंग किस तरह से बांधा आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ जो कटी हुई जो चिन्ना है, मार्किंग है, ये हम लोगों का सीधा रखना है, इसका ऑटोमेटिक पिस्टन टॉप में आ जाएगा। और क्या हम सबको नीडल पोजिशन में रखना है और इस तरह से आप लोग टाइमिंग बंद लेफ्ट राइट और टी लिखा ऊपर, तो हो चुकी है। तो चलो रॉकर एडजस्ट करते हैं, करने के बाद आप लोग क्लच चैंबर फिटिंग करके दिखाऊंगा। बस तो गाइस दोनों रॉकर हम लोग का डीलर रखा 0.44 mm करके, हम लोग फिलर गेज की मदद से रखा 0.4 mm। ये हमारा टूट चुकी है काम करते करते, लेकिन 0.4 mm लिखा है तो मैंने रॉकर भी ठीक कर लिया। अब चलो क्लच चैंबर के जितना भी माल वगैरह है सब लगाता हूँ, होजिंग वगैरह, और आप लोगों को दिखाता हूँ। अब हम डालेंगे बूस, ये वाला चार कोना जो लॉक होता है JVD पिनियम का, इसको डालेंगे। अब डालेंगे बस। अब गाइस डालेंगे ऑयल पंप की जो वॉशर डालते हैं और बूस्ट डालते हैं, उसके बाद हाउजिंग डालेंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ा इसको सेटिंग करके लगाइए बस, ठीक है। अब चल चुके हैं। अब ये वाला वॉशर, अब हम लोग डालेंगे क्लच असेंबली, ठीक है। चलो क्लच असेंबली डालते हैं। रहता है और इसमें सिंगल वाशर, तो चलो सब लगाते हैं। इसमें उल्टा पैच है, है वाशर डाल दिया और एक क्लच बूस्ट बैरिंग है, बैरिंग लगा दिया। अब चैंबर लगाएंगे, ठीक है, पैकिंग दीजिए। तो सो गाइस मैंने पूरा इंजन फिटिंग कर लिया है। अब आप लोगों को दिखाऊंगा बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, स्टार्ट करके दिखाऊंगा बाहर में। तो चलिए बाइक में स्टार्ट करूंगा। उससे पहले हम आपको बताते हैं, अगर आप लोग बाहर में किस तरह से हम लोग स्टार्ट करें, वायरिंग किस तरह से बनाएं, कौन सा वायर कहाँ में अटैच करें, सेल्फ स्टार्ट किस तरह से काम करें, ये सब अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगा वायरिंग वीडियो। तो चलिए मैं किस तरह से वायरिंग बनाया हूँ उस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इस बाइक का स्टार्ट करके इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ।
तो गाइस आप लोगों ने फुल इंजन किस तरह से हम लोग फिटिंग करे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाया, रॉकर एडजस्ट, टाइमिंग एडजस्ट, क्लच प्लेट, गियर बॉक्स, सब कुछ इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी। तो वीडियो कैसा रहा? वीडियो में आप लोगों को पूरा मेहनत करके दिखाया और बाहर में स्टार्ट भी करके दिखाया। तो गाइस अगर आप लोग जैसे कि वायरिंग का वीडियो देखना चाहते हो, किस तरह से हम लोग बाहर में जैसे कि बाइक को स्टार्ट करे, अलग से हमने वीडियो बनाया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वहाँ पर आप लोगों को पार्ट टू मिल जाएगा जिसमें कि हम लोग बाहर में स्टार्ट करें। वो वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख लीजिए क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, आप लोगों को बहुत ही काम आएगा। तो गाइस मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर भाई गुरु यूट्यूब चैनल के साथ।